हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वेट भाई का ज्ञान माय नेम इज़ दिपेश कुमार डाबी सो so, आज हम जो है एलपीएम 2017 का पेपर टू का सेक्शन ए जो है कंप्लीट करेंगे तो लेट्स स्टार्ट पहला है फिलअप से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रॉयलर्स आर मार्केटेड एट द एज ऑफ तो ये याद रखना है सेवन से नाइन वीक ऑफ एज फिर है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्रोडर हाउस शुड बी तो थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड अगर ये फेरेनाइट में पूछता तो ये होता नाइन्टी फाइव डिग्री फेरेनाइट फिर इन फाउस डैश ओवरी रिमेंस रूडिमेंट ये आप जानते ही हैं राइट ओवरी जो है वो रूडिमेंट होती है जनरली आफ्टर डैश वीक्स चिक गार्ड इज़ नॉट नीडेड इन ब्रूडर हाउस तो आपको बता दू अप्रोक्स टू वीक जो होता है उसके बाद जो है चिक गार्ड यूज़ नहीं करते नीड भी नहीं होती फिर है द एक्ट ऑफ लिंग इन बर्ड इज़ नॉन हैस ये तो आप जानते हैं ओवी पेरिस ये तो सब पढ़ते ही आ रहे हैं फिर है द वेट ऑफ एग इज़ तो अप्रॉक्स जो है वेट तो सिक्स टू सिक्सटीन ग्राम तक वेरी करता है पर एवरेज वेट हम टेन ग्राम मानते हैं तो आप लिख सकते हैं फिर अपन एम सी क्यूज पर चलते हैं तो पहला है एक्सटर्नल क्वालिटी ऑफ एग इज़ जज बाई इट्स तो आपको बता दूँ ऑल ऑफ द अबाव क्योंकि कलर भी चाहिए शेप भी देखना पड़ता है और शेल्स थिकनेस भी थिकने देखनी थिकने थिकने पड़ती है फिर द कंट्री रैंक फर्स्ट इन चिकन पॉपुलेशन तो चाइना जो है रैंक करती है फर्स्ट फिर एट एज एट विच फॉल्स आर शिफ्टेड फ्रॉम ब्रूडर ब्रूडर टू ग्रोवर हाउस तो आपको बता दूँ एट वीक्स इसका सही आंसर है फिर द न्यू कैसल डिजीज इज़ कॉस्ड बाई ये वायरस से क्रॉस होती है ठीक है फिर अ खाकी कम्प बैल इज़ अ ब्रीड ऑफ तो ये डक की ब्रीड है आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं फिर रोड आइसलैंड रेड इज़ अ तो ये डूएल पर्पज ब्रीड होती है अब अपन जो है डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो पहला है ब्रूडीनेस तो इट इज़ अ एक्शन ठीक है और बिहेवियरल टेंडेंसी टू सेट ऑन अ क्लच ऑफ एग्स टू इंक्यूबेट दैम ठीक है ये एक चिकन में बहुत आ, मिलती है ऑफन रिक्वायरिंग द न्यू एक्सप्रेशन ऑफ मैनी अदर बिहेवियर्स इंक्लूडिंग फीडिंग ड्रिंकिंग ये जो है ब्रोडिनेस में आता है नेक्स्ट अपन चलते हैं डी बिकिंग तो बीक ट्रिमिंग भी बोलते हैं या फिर beak conditioning है, बीक कंडीशनिंग बोलते हैं इज अ पार्शल रिमूवल ऑफ द बीक ऑफ पोल्ट्री फिर है डबिंग तो अब डबिंग क्या होता है डबिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग द कॉम्ब वॉलेट्स वॉटल्स एंड समटाइम्स ईयरलोग्स ऑफ पोल्ट्री रिमूविंग द बॉटल्स और इज समटाइम कॉल्ड डी बॉटलिंग से भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट जो है हमारा प्रोटोबायोटिक्स तो प्रोटोबायोटिक्स आप जानते हैं ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर चिकन्स एंड अदर एवन स्पीशीज आर कॉमनली एडेड टू पोल्ट्री फीड ठीक है और ड्रिंकिंग वाटर में ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू हेल्प सपोर्ट बर्ड्स हेल्थ परफॉर्मिंग ग्रोथ इन सब में जो है हेल्प करता है दिस पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन यंग एनिमल्स इन विच स्टेबल इंस्टेस्टाइनल बैक्टीरिया हैव नॉट एड बिन इस्टेब्लिश तो ये जो है बहुत ही यूजफुल होते हैं नेक्स्ट जो है पोल्ट तो पोल्ट जो है द डेफिनेशन ऑफ द पोल्ट इज अ यंग डोमेस्टिक चिकन टर्की या फिर फाउल डेट इज़ बीग रेज फॉर फूड अ यंग चिकन बींग रेज फॉर फूड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोल्ट ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है मोल्टिंग तो आप बहुत ये कॉमन है पोल्ट्री में टू चिकन इट्स अ साइन देट इट इज़ टाइम टू रिन्यू देयर फैदर्स ठीक है फेदर को रिन्यू करती हैं लूजिंग फैदर्स एंड रीग्रोइंग दैम इज अ मोल्टिंग एंड अक्कर

एज फूड इट कॉमली अकर्स इन फ्लॉक्स ऑफ डोमेस्टिक हैंड्स रेड फॉर एग प्रोडक्शन ऑल दो इट कैन ऑल्सो अकर्ड इन डोमेस्टिक टर्कीज फीजेंड्स एंड अदर पोल्ट्री स्पीशीज ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है नेक्स्ट जो है ऑर्नीथोलॉजी ये तो आप सब जानते हैं इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी डेट कंसर्न द स्टडी ऑफ बर्ड्स ठीक है ये आपको मेन लिखना है सेवर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्नीथोलॉजी डिफर फ्राम रिलेटेड disciplines ड्यू टू पार्टली ऑफ़ द हाई विजिबिलिटी एंड aesthetic अपील ऑफ बर्ड्स ठीक है फिर अ करेक्टरिस्टिक्स अब हम जो है शॉर्ट नोट पे आ गए हैं तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशियाटिक क्लास फाउल तो आपको बता दूं इनमें जो होता है बॉडी साइज वो हैवी होता है एक्सल जो होता है वो है वो भी जो है ब्राउन कलर का होता है फिर ए ब्रूडी विथ मदरली इंस्टिंक्ट ठीक है फिर ईयर ईयरलोप जो होते हैं रेड और मॉइ मोस्टली जो है रेड होते हैं फिर शेंक फेदर्ड एंड येलो होते हैं स्किन जो होती है येलो एक्सेप्ट लेगसन ठीक है उसमें येलो नहीं होती एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं थोड़े ब्रह्मा कोचिन और लेगसन ठीक है अब नेक्स्ट जो है कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ गुड लिटर मटीरियल तो इसका जो है इट इज़ अ मोस्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम ड्रॉपिंग्स क्विकली ठीक है ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को इट मस्ट रिलीज मॉइस्चर एंड ड्राइज अप रैपिडली ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए लिटर मटीरियल की इट मस्ट हैव एटलीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म केक्स इट मस्ट है फ्री मोल्ड ग्रोथ ठीक है इट मस्ट भी फ्री फ्राम शार्प ऑब्जेक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल ठीक है इसमें ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल नहीं होना चाहिए ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए इनर्ट होना चाहिए कंप्रेसिबल होना चाहिए ये सारी क्वालिटीज़ आ रही हैं और भी आपको बता दूँ एक्स्ट्रा में ये गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज कंडक्ट करना चाहिए प्रोटेक्ट करता है चिक्स को फ्रॉम एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट इट मस्ट भी चीप एंड लोकली अवेलेबल इट मस्ट भी बायोडिग्रेडेबल सप्लाई सम न्यूट्रिय टू द बर्ड्स एंड फॉर्म अ गुड क्वालिटी मैन्यर लेटर ठीक है इट मे मस्ट हैव मीडियम पार्टिकल साइज सॉफ्ट एंड लाइट इन वेट क्वालिटी जो लिटर मटेरियल की है वो टेस्टेड बाय पिकिंग अ हैंड फुल ऑफ लिटर मटेरियल एंड पजेज इट प्रेसेज इट टाइटली उससे अपन उसकी क्वालिटी बता सकते हैं गुड क्वालिटी मटेरियल इज़ वन विच ब्रेक्स अप व्हेन द हैंड इज़ ओपन और जो मटेरियल जो है मोर मॉइस्चर विल फॉर्म अ बॉल इन हैंड टू मच ड्राइड लिटर जो है वो जो है डस्टीनेस इन द फार्म क्रिएट करता है तो ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक है गुड लिटर मटेरियल की नेक्स्ट जो है एडवांटेज ऑफ केज सिस्टम तो आपको एडवांटेजेस बता दो पहला है मिनिमम फ्लोर स्पेस इज नीडेड ये सही है फिर ए मोर नंबर ऑफ एक्स पर हैन कैन बी रिसीव्ड ये सारे केज सिस्टम की जो है एडवांटेजेस है ये जो है लेस फीड वेस्टेज करता है बेटर फीड एफिशिएंसी होती है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल पैरासाइट्स एंड सॉयल बोन इलनेस सिक एंड नन प्रोडक्टिव बर्ड्स कैन भी ईजिली आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटेड क्लीन एग्स प्रोडक्शन ठीक है वाइस लाइक एग इटिंग पैकिंग इन मिनिमल ठीक है पैकिंग में मिनिमल होती है ब्रोडिनेस इज मिनिमल नो नीड ऑफ लिटल मटीरियल और आर्टिफिशल इंसैमिनेशन कैन भी एडोप्टेड ये सारे जो है एडवांटेजेज है किसके केस सिस्टम के अब हम मेजर स्टार्ट करते हैं तो पहला है डिसक्राइब यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ फाउड विद एक्जाम्पल तो अपन पहला चलते हैं मेडिटेरियन क्लास जो एग टाइप की है तो पहला है लेग लेगॉन उसका एग्जाम्पल है तो इट इज़ अ डेवलप्ड एट लैगॉन विलेज इन इटली और ये जो है थर्टीन स्टैंडर्ड वेराइटीज ऑफ लेगॉन एज वाइट ठीक है और बफ और ब्राउन कोट की भी होती है वाइट लेगॉन इज रेड फॉर एग प्रोडक्शन ड्यू टू इट्स लोअर फीड कंजप्शन एंड हायर एग प्रोडक्शन तो ये आपको जो है याद रखना है फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनॉर का तो ये जो होती है हेवियर देन वाइट लगॉन ये आपको याद रखना है डिफरेंट वेराइटीज़ आर इसकी ब्लैक भी होती है वाइट भी होती है प्लूमेज जो है कम्पेयर क्ट होता है और इसका वेट जो होता है फोर केजी के जी के लगभग होता है और फीमेल का थ्री साढ़े तीन केजी के जी के लगभग होता है नेक्स्ट है एंकोना अंक, तो ये जो है मेल जो उसकी ब्रीड का जो वेट है वो टू पॉइंट सेवन थ्री के जी का है और फीमेल का टू पॉइंट जीरो फोर के जी का है ये आपको याद रखना है इसके कॉम जो होते हैं सिंगल और रोज टाइप के होते हैं नेक्स्ट अपन चलते हैं इंग्लिश क्लास जो अपन किसके लिए यूज करेंगे मीट पर्पज के लिए तो मीट टाइप भी बोलते हैं तो पहला है एस्ट्रोलॉग तो एस्ट्रोलॉब जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ब्लैक ऑर्फिंग टन से डेवलप हो रखा है कलर जो होता है प्लोमेज का वो सोलॉलिट ब्लैक और मेल्स आर यूटिलाइज फॉर क्रॉसिंग विद फीमेल्स ऑफ डब्ल्यू एल एच टू प्रोड्यूस ऑस्ट्रेलियन वाइट और डुअल टाइप वाइट ऑस्ट्रोलॉब ठीक है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर है कॉर्निस इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है मीट टाइप का इट इज़ ऑर्िनेटेड इन कॉर्नवेल इंग्लैंड ठीक है इसके वेरायटीज़ होती है डार्क वाइट एंड वाइट लेस्ड रेड हाउवर द डार्क वरायटी वॉज वेरी फर्स्ट रिकोगनाइज इसका भी जो है वेट साढ़े चार के जी मेल का और साढ़े तीन जो है फीमेल का ये लगभग होता है नेक्स्ट जो है ऑर्फिंगटन तो ये दो डिफरेंट वेराइटीज़ आर बफ एंड वाइट दो वैराइटी मिलती है बफ और वाइट की ठीक है हेवीस्ट ब्रीड ऑफ मीट टाइप बर्ड है ये आपको याद रखना है ऑर्फिंगटन ठीक है नेक्स्ट है ससेक्स तो ससेक्स जो होती है वो स्पेंड स्पलेंडेड मीट टाइप बर्ड है और थ्री वेराइटीज़ आर रेड स्पार्क स्पार्कल्ड एंड लाइट ठीक है लाइट वेराइटी जो है पॉपुलर किसके अंदर है इंग्लैंड और कनाडा में और स्पार्कल्ड वाली यू में है और इसका मेल का वेट जो है फोर पॉइंट ज़ीरो नाइन के जी है फीमेल का वे थ्री पॉइंट वन एट के जी है तो ये सारी चीज़ें जो है और ससेक्स का ब्राउन कलर्ड शेल्ड है एग्ज होते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ठीक है फिर अपन चलते हैं प्लाइमोथ रॉक जो कि जो है अमेरिकन क्लास जो अपन पढ़ रहे हैं मीट टाइप की वो है तो प्लाइमाउथ रॉक जो है वो इज अ ड्यू टू तो लाइट कलर प्यूमेज विच इज़ डिजायरेबल इन ब्रॉयलर द बॉडी साइज जो होता है वो गुड होता है एक्सीलेंट फ्लैश मिलता है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर अपन ने रोड आइसलैंड रेड ये जो है इम्पॉर्टेंट है ये आप डेवलप हो रखी है एशियाटिक ब्लैक एंड रेड फाउल्स ऑफ मोले और सेंगई एंड जावा ऑन द फॉर्म ऑफ रोड आइलैंड ठीक है ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉडी होती है प्लूमेज कलर रिच एंड ब्राउनिश रेड एंड बर्ड्स ले ब्राउन एग्स ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फिर आते हैं इंडियन ब्रीड्स तो इंडियन ब्रिड्स जो होती है उसमें पहला है असील तो दिस ब्रीड इज़ नोन आल्सो नोन एज इंडियन गेम ठीक है मीट टाइप बर्ड होती है मोस्टली रिगार्डेड फॉर इट्स फ्लेवर ऑफ फ्लैश मेजिस्टिक गेट एंड एक्सीलेंट फाइटिंग क्वालिटीज़ ठीक है और ये यूपी राजस्थान आंध्र प्रदेश कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मिलती है इसका मेल का वेट साढ़े चार कहती है फीमेल का साढ़े तीन ये आपको पता होना चाहिए प्लूमेज होता है इसका लिटिल फ्लफ और फैदर्स आर टफ एंड कॉम्पैक्ट फिर है ब्रह्मा ब्रह्मा जो है एशियाटिक क्लास की है एशियाटिक क्लास में ब्रह्मा जो है ब्रह्मापुत्र वैली से ओरिजिनेट हो रखी है और ग्रेट चित्तोंग से भी कंसिडरेबल इसका एंसेस्ट्री मिलती है और ये जो वर्ड होती है वो मीट पर्पज़ के लिए यूज करते हैं इट इज़ फाउंड इन कठियावाड़ एंड अराउंड द मुंबई फिर है कोचिन कोचिन जो है ओरिजिनेटेड इन संघाई चाइना इन नॉन कॉमनली नॉन है संघाई फाउल ठीक है ये सारी चीज़ें इसका टाइप जो है सिंगल कॉम होता है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ने डिस्क्राइब समर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन लेयर फार्म तो ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है तो समर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं कि प्रोवाइड क्या कराना है एडुकेट कूल ड्रिंकिंग वाटर वाटर शुड बी इंक्रीज बाय फिफ़्टी परसेंट सफिशेंट वेंटिलेशन रिड्यूस स्टॉकिंग डेंसिटी अप टू टेन से ट्वेंटी परसेंट एंड प्रिवेंट डायरेक्ट सनलाइट फ्राम एंटरिंग द शेड तो टाइम ऑफ फीडिंग एंड विड्रॉल ऑफ फीड ये इंपॉर्टेंट है रूफ स्प्रेज इंपॉर्टेंट है मिक्सचर ऑफ फॉगर्स शेड डिज़ाइन रिफ्लेक्टिव रूफ पेंट इंसूलेशन फैस एवेपरेटिव कूलिंग प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है समर फीडिंग मैनेजमेंट अब इसमें क्या करेंगे तो इंश्योर गुड फिजिकल क्वालिटी ऑफ फीड जैसे स्क्रब स्क्रम्ब पैलेट्स और मैश टू एंकरेज एपेटाइट फीड शुड नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्गर दैन वन वीक टू रिज्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ माइक्रोटॉक्सिन बिल्डअप माइक्रोटॉक्सिन फनजाई होती है तो उससे बचाने के लिए आप ज़्यादा स्टोर ना करें करेंगर में एंकरेज इटिंग कूलर टाइम्स ऑफ द डे एज इट टेक्स टू टू फोर आफ्टर टू टू फोर आवर्स आफ्टर फीडिंग बिफोर द मैक्सिमम एनर्जी जनरेटेड एंड द बर्ड मस्ट Dissipate the metabolic heat generated, remove a feed. फोर टू सिक्स आवर्स प्रायर टू द एंटिसिपेटेड हीट स्ट्रेस पीरियड बर्ड शुड नॉट बी फेड और डिस्टर्ब ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे डिम द लाइट्स वाइल फीडिंग लो लाइट इंटेंसिटी ड्यूरिंग पीरियडिक फीडिंग रिड्यूजेज एक्टिविटी विच रिड्यूजेज हीट लोड फिर वाटर मैनेजमेंट क्या करेंगे तो वाटर में क्या करेंगे रेगुलर सप्लाई ऑफ कूल एंड फ्रेश वाटर इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई फोर टाइम्स अ डे ये याद रखना है प्रोवाइड मोर वाटर्स ऑन डीप लीटर डाउटफुल सोर्सेज ऑफ वाटर शुड बी डिसइफेक्टेड विथ ब्लीचिंग पाउडर ये याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर से डिसइनफेक्ट करना है सप्लाई एंटी स्ट्रेस एजेंट लाइक विटामिन सी थ्रू ड्रिंकिंग वाटर ठीक है ड्रिंकिंग वाटर जो है चार परसेंट मोर वाटर फॉर एवरी वन डिग्री इंक्रीज ये आपको एक एक्चुअल डाटा बता रहा हूँ कि सत्ताईस डिग्री के अबाव पर एक डिग्री इंक्रीज पे चार परसेंट मोर वाटर आपको देना है तो नॉर्मल रेश ऑफ वाटर शुड भी टू इंस टू वन एंड कैन बी चेंज फोर इंस टू वन वेन टेम्परेचर इज अबाउट थर्टी फाइव डिग्री सो हैं कंज्यूम अबाउट ढाई सौ एम एल वाटर इन कंडक्टिव वेदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए तो जो है हाउस ओरिएंटेशन जो आपको बता दूँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ होना चाहिए ठीक है वाइट वॉश टू रूफ़ ये आपको पता है ताकि हीट जो है ज़्यादा ना लगे एब्जॉर्ब ना हो फिर प्रोवाइड रूफ इंसुलेशन स्प्रिंकलर्स ऑन रूफ़ ट्री प्लांटेशन फॉगर अरेंजमेंट इनसाइड द हाउसेस तो ये सारे जो है समर मैनेजमेंट प्रैक्टिसज ऑन लेयर फार्म हमने कम्प्लीट कर लिया इसी के साथ हमने सेक्शन ए ऑफ एल पी एम पेपर टू टू थाउजेंड सेवेंटीन जो है कंप्लीट कर लिया है थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें